हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं लेके आ गई हूँ एकदम खसखस बनने वाली गुजिया की रेसिपी। एकदम खस्ता बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो इसकी रेसिपी जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए ये नारियल जो हमने ग्रेट कर लिया है, काजू, बादाम और चिरौंजी, और ये जो हमने ले रखी है सूजी, ये मोटी सूजी है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है, ठंडी कर लिया है। और यहाँ पे हमने, जैसे मैंने बताया था, मुनक्का यानी किशमिश, काजू, बादाम और ये सीड्स ले रखे हैं मैंने, खरबूजे के बीज और चिरौंजी। तो ये मैंने एक पूरा नारियल यहाँ पे ग्रेट करके रख लिया है, और इसमें ज़्यादा फिलिंग भरनी पड़ती है तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो भी है हमने कट कर लिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है इलायची का पाउडर, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसको कूट लिया था। तो अब हम मैदा का आटा जो है हमारा, उसको सेट करते हैं। तो उसको हमने सेट करने के लिए यहाँ पे तेल ले रखा है, और तेल हम इस पर मिलाएंगे मोइन के लिए। और यहाँ पे हमने आटा 1 किलो ले रखा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और इस पर हम तेल अब ऐड करते हैं। आप घी भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल 1 कटोरी पूरा डाल दिया है 1 किलो मैदे में। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि मोइन हर जगह पे चली जाए मैदे में। तो इस तरीके से मिलाइए, तो हमारा जो मोइन है अच्छे से मिल गया है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो एकदम से इसके छोटे छोटे पीसेस में डो बनने लग गए, तो समझ जाइए ये एकदम परफेक्ट है। और मुट्ठी बना कर भी देख लीजिएगा, इस तरीके से मुट्ठी बननी चाहिए तो ही गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हम पानी से इसको गूंद लेंगे। पानी हमने बहुत कम यूज़ करना है, कम ही यूज़ होगा ये। तो इस तरीके से हम गूंद के इसका आटा सेट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हार्ड डो इसका तैयार कर लिया है, हार्ड ही हमें चाहिए। और यहाँ पे ले रखा है मैंने 1/2 किलो खोया। खोया को हम ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे भी ग्रेट कर लिया है, और देखिए इस तरीके से कद्दूकस करने के बाद हो जाएगा ये। और अब सारी स्टफिंग हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे, जैसे कि मैंने सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। और आटा को हम जब तक सेट होने देंगे जब तक हमारा स्टफिंग तैयार होती है। तो गाइज, अब स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने वो सूजी जो हमने फ्राई करी थी, उसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और अब डाल देंगे इलायची का पाउडर। इलायची बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप मत डालिएगा। और यहाँ पे डालेंगे ये सारा नारियल। तो नारियल भी हमने डाल दिया है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है बीच बीच में। और अब बारी है खोए की। तो खोया हमने यहाँ पे सारा 1/2 किलो जितना भी लिया था सारा डाल देना है, फीलिंग बहुत अच्छी बनती है इससे। तो खोया भी यहाँ पे डल चुका है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे हाथों से इस तरीके से। जब तक मिलाएंगे तब तक पूरा सामान एक दूसरे से मिल नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने सारा सामान मिला लिया है। और इन द लास्ट हम मिलाएंगे ये बूरा चीपी। आपके पास अगर बूरा नहीं है तो आप किसी भी चीनी डाल सकते हो, घर में पीस ले सकते हो चीनी को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा जो भी स्टफिंग का सामान था मिक्स कर लिया है। तो अब बनाएंगे गुजिया। गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने छोटी छोटी लोई ले रखी है। हमने बहुत पतली भी नहीं करनी, बहुत मोटी भी नहीं करनी, मीडियम जितनी होती है चौड़ाई लंबाई वैसे रखनी है। और इसको इस तरीके से बेल लेना है। और देखिए, मैं कोई सूखा मैदा या तेल नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ये हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सांचे में रख दिया है। इस तरीके का आपको सांचा मार्केट में अवेलेबल होता है, होलियों में तो मिल ही जाता है। तो आप इस तरीके से इस पर 1 या 1.5 चम्मच डालिएगा। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, और ये 1/2 चम्मच और डाल रही हूँ। और इसको हम अच्छे से इसमें फिट कर लेंगे। तो अब हम लगाएंगे इसके किनारों पर पानी। आप मैदा और पानी को, पानी का जो घोल होता है उसको भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, इससे मैदा बहुत जल्दी चिपकता है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको दबा लेना है, और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारी गुजिया आराम से सेट हो गई है अंदर, और देखिए इस तरीके से बन चुकी है और बहुत अच्छे से बनी है। तो सारी गुजियों को हम इस तरीके से बनाएंगे और आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गुजिया बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ले रखी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, और रिफाइंड ऑयल ही है। और इसको हम पहले हाई फ्लेम पे गरम करेंगे, और उसके बाद फिर लो कर देंगे फ्लेम को, क्योंकि लो फ्लेम पे ही हमने थोड़ी देर तक पकाना है, फिर मीडियम करना है फ्लेम को। तो इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा, पहले हाई, फिर लो, फिर मीडियम। तो मीडियम आँच पे ही हमने इसको तलना है। तो इस तरीके से हम इसको तलते रहेंगे। देखिए इस तरीके से ये होंगी फ्राई। तो 5 से 8 मिनट इसको लगेंगे बनाने में, तो उसका कलर होगा बिल्कुल चेंज।
इस तरीके से। आपको अगर ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं लाइट गोल्डन ही इसको बनाती हूँ, तो मैं इसको अब इस तरीके से निकाल लेंगे, पूरा तेल इसमें छन जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको गुजिया बनानी है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है गुजिया का, एकदम सुनहरा, ज़्यादा डार्क भी ऐसे अच्छी नहीं लगती है, इस तरीके की गुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो सारी गुजिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस तैयार होके आ चुकी है हमारी सारी गुजिया और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और फिलिंग भी बहुत टेस्टी है इसकी। तो स्टफिंग का जितना भी सामान था आप उसे एक दो चीज़ें स्किप कर सकते हो, बट उसके बाद भी बहुत टेस्टी बनेगी गाइस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली।